हेलो, मेरा नाम भाविक बंसल है। मेरी एम्स में AIR 1 आई थी और नीट में AIR 2 आई थी। ये एक मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि 10th तक मैं कभी अपने स्कूल में फ़र्स्ट भी नहीं आया, क्लास में फ़र्स्ट भी नहीं आया। तो ये एक बात मुझसे पूछी जा रही है बहुत। और मतलब ये है कि 10th तक जो मेरे सब्जेक्ट थे, क्योंकि बहुत वाइड अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, उसमें ना मेरे को मज़ा आता था ना मैं इतना मोटिवेटेडली पढ़ता था। 11th से जैसे ही मेरे को अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने का मौका मिला, उसके बाद मैंने वो सब्जेक्ट्स चुने जिस जो मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, उसके बाद उनको जी जान से पढ़ा। तो 11th में मेरी पोजीशन बहुत इंप्रूव हुई। और उसके बाद क्योंकि एम मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो उसकी तरफ देखते हुए किया, लेकिन छोटे छोटे गोल रखे। उस समय जिस टॉपिक को डील कर रहे थे, बस उसको बहुत अच्छी तरीके से डील किया। ये एक बार के लिए आप मतलब अगर एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए। जैसे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, कहेंगे कि केवल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। मेडिकल में आपके टीचर भी आपको हो सकता है कहें कि आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी बात मानिए, एम्स में तो मुश्किल क्वेश्चन आ भी रहे हैं। इसलिए आप अपनी जब दो चार चैप्टर की धीरे धीरे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्स जा सकते हैं अगर एम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आउट ऑफ बाउंड्स जाने से क्या होगा, जैसे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, उनमें यह है कि जो आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, वो तो आपको आने ही चाहिए। जैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं कि एक ही जो रेगुलर क्वेश्चन है उनको 50-50 बार करते हैं। दूसरा क्या है कि नए क्रिएटिव क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियसली करना आना चाहिए। वो तब होगा जब आपकी थ्योरी बहुत क्लियर होगी और उस थ्योरी को अप्लाई करना आपको खुद से आएगा, मतलब खुद से आप सोच पाएंगे। अब अभी जो हमारा सिस्टम है, अगर आप कोई कोचिंग में ज्वाइन करते हैं या कोई रेफरेंस बुक लेते हैं, तो मेडिकल की जो बुक्स आती हैं प्री मेडिकल टेस्ट की, उनमें कई ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव होते हैं। वो आपका बेसिक है, क्योंकि अगर आपको नीट क्लियर करना है तो वो क्वेश्चंस जरूर करने हैं, क्योंकि हर साल नीट में उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हम जानते ही हैं। तो अगर आपको लेकिन एम्स आपका एम है थोड़ा सा, तो आपको उससे थोड़ा सा उठना पड़ेगा। मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप जेई मेन्स के कुछ पेपर लगाएं, मतलब जो जनरल पेपर आते हैं, सैम्पल पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, वो आप जेई मेन्स के भी कर सकते हैं। और ये मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग के कुछ जो बुक्स आती हैं, वो क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाती हैं जो कि आपको एम्स में मदद कर सकती हैं। और यही स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप नीट के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो एम्स में आपको बायो में स्टेप अप करने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री में करने की है। एक और चीज़ जो मेरे से पूछी जा रही है जीके के बारे में, जीके एम्स में जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत आसान आएगी। तो अगर आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि नीट के बाद सबको ये बोला जाता है कि 20 दिन है आपके पास एम्स के लिए, और आपने एम्स नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रखा है, तो एम्स के लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप जीके कर लीजिए। तो जीके जो है वो सबसे आसान सब्जेक्ट आ रहा है, जबकि आप एम्स का पेपर देखेंगे, जो कि प्रॉब्ली आप तभी देखेंगे जब आप देंगे। तो एम्स का पेपर जब आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जीके ही सबसे आसान सेक्शन है जिसके लिए आपने 20 दिन लगा दिए। इससे अच्छा फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एम्स में ज़्यादा आते हैं और नीट के या तो सिलेबस में नहीं है, या फिर नीट में बहुत इग्नोर कर रखा है, इसलिए बच्चों ने भी इग्नोर कर रखा है। अगर मैं थोड़े पर्टिकुलर में जाऊँ, तो मॉडर्न फिजिक्स एम्स में बहुत ज़्यादा आती है, मतलब बहुत ज़्यादा, एज इन द सेंस कि वैसे तो एक जनरल पैटर्न है एम्स की फिजिक्स में आधी से ज़्यादा 12th होती है, मतलब 70-80% 12th की फिजिक्स होती है। भले ही ये है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो 12th की फिजिक्स है, भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें अगर उसको मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा, तो वो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट 12th की फिजिक्स में ही ले आएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन होगा, वो सुपरफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होगा, लेकिन जब तक आपके मैकेनिक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तब तक आप उस क्वेश्चन को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाएंगे। और एक जो आखिरी के दो चैप्टर है फिजिक्स में, सेमी कंडक्टर कम्युनिकेशन, सेमी कंडक्टर का नीट में हर 2 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, या साल में एक क्वेश्चन ऐसा करके आता है। एम्स में 2 क्वेश्चन मिनिमम है, 3-4 तक भी चले जाते हैं, और उन 2 क्वेश्चन में सीई ट्रांजिस्टर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। आजकल पिछले 1-2 साल से इस बार सारी शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्लिपर या क्लैम्पर सर्किट का था। उसमें कम्युनिकेशन एआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन है उसके थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, और प्लस आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन में एक आध थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी से कुछ फॉर्मूले हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर टाइम हो आपके पास और एम्स की आप स्पेसिफिक तैयारी करें तो देख सकते हैं। एक बुक आती है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो जो बुक है वो जनरली इग्नोर की जाती है, और क्योंकि वो थोड़ी हाई लेवल है, इतनी मेडिकल एंट्रेंस के लिए ऐप नहीं है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर एनसीईआरटी ने कोई बुक लिखी है, तो उसको आप पूरी तरह पढ़ें, और मतलब एक्सटेंसिवली पढ़ डालें। कुछ क्वेश्चन उसमें आपको ऐसे दिखेंगे जो इररेलीवेंट है, ना केवल मेडिकल के लिए इररेलीवेंट है, इंजीनियरिंग के भी इररेलीवेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को देख के होप ना खोएं, जितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं खुद से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हो, और टीचर से एक आध क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं।
तो फिजिक्स में एग्जेम्प्लर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब हेड स्टार्ट मिल जाएगा। और बाकी रेफरेंस बुक सब देख सकते हैं टाइम के हिसाब से। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, एंड में बुक के क्वेश्चन करने से अच्छा पेपर, मॉक पेपर लगाएं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे मैंने कम्युनिकेशन बोला, कम्युनिकेशन में एआर के क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, फिर एम्स में हमेशा एआर के क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से भरे रहते हैं, जबकि ये नीट के सिलेबस में नहीं है। और अगर मैं और बात करूँ जो चीज़ें एम्स में ज़्यादा आती हैं और नीट के सिलेबस में नहीं है या कम आती हैं, तो उसमें केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल का सिलेबस, क्योंकि नीट के सिलेबस में वो है ही नहीं कहीं मेंशन। वैसे तो एम्स के भी में भी प्रॉपरली मेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेपर में दो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वेश्चन था। और ये भी बात है कि इनऑर्गेनिक के जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं जिन्हें लोग आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं, वो अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की सही जानकारी है तो सॉल्युबिलिटी और किसका कब प्रेसिपिटेट होगा, कौन किससे रिएक्ट करेगा, उसकी थोड़ी थोड़ी आप अप्लाई कर सकते हैं वो बेसिक जानकारी को लेके। तो ये एक चीज़ है कि या तो आप स्कूल में प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छी से करें, और नहीं तो नीट और एम्स के बीच में जो पीरियड है उसमें एक बार अपनी लैब मैनुअल को रफ्तार में पढ़ डालें केमिस्ट्री की, तो उससे कुछ एक आध क्वेश्चन होने की चांसेस हैं। और अगर मैं कहूँ तो इनऑर्गेनिक थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको शुरुआत में, मेरे को जो लगी थी एम्स के पेपर में, लेकिन वही बात है कि अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे तो पेरिफेरली कुछ अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा ऑर्गेनिक, इस बार की जो मेरा पेपर था बहुत ही अच्छी लेवल की ऑर्गेनिक थी, तो उसके लिए आई डोंट थिंक एनसीईआरटी एम्स की ऑर्गेनिक को वो करने के लिए इनफ है। तो ये मैं बता दूं आपको कि अगर आप एम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक जितनी ज़्यादा पढ़ सकेंगे उतनी अच्छी है। तो उसके लिए एक तो क्वेश्चंस की बुक आती है एमएस चौहान, वो रेफर कर सकते हैं। और भी वैसे तो इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है, ऑर्गेनिक एक अच्छे टीचर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है। आप बुक से पढ़ सकते हैं, बुक्स बहुत सारी आती हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें ऑर्गेनिक के, वही वापस मैं कहूँगा जेई मेन्स के भी क्वेश्चन कर लें तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटी वहाँ पर शो हो जाती है और ऑर्गेनिक अच्छी लेवल की आ रही है। फिजिकल कंपेरेटिवली काफ़ी आसान आएगी, क्योंकि एक तो आप फिजिक्स देख चुके होंगे, एम्स की फिजिक्स बहुत मज़ेदार होती है, तो उसके सामने फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। कैलकुलेटर का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, कि ना केवल फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी कैलकुलेटर आपको दिया गया है, आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि टाइम की बात में बहुत क्रंच होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स 2 घंटे से कम में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बायो में मैं बात करूँ तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर नीट और एम्स सिमिलैरिटी शो करेंगे। सिमिलैरिटी शो करने का इन द सेंस मतलब है कि एनसीईआरटी से ही उठाया जाएगा एम्स का मेजर पेपर भी। और लेकिन एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, 10 से ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें भी मेजरली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से उठाए होंगे। जो कुछ एनसीईआरटी से नहीं उठाए होंगे, मेरे शिफ्ट में मेरे को याद है एक क्वेश्चन था जो डायग्राम बेस्ड था और जो एनसीईआरटी से नहीं उठाया था, वो कुछ बोन का क्रॉस सेक्शन था, और उसमें अगर आपने हेवर्सियन सिस्टम पढ़ा है जो कि जनरली पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी सिंपल हो गया था वो क्वेश्चन। तो मतलब एप्लीकेशन अगर आप कर सकते हैं नॉर्मल अपने एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट की, तो वो भी काफ़ी आसान हो गया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो पिछले 2-3 साल से आ रहा है, जो कि मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, जेनेटिक कोड के वो पूछ रहा है, वो कोड्स चारों ही शिफ्ट में मैंने सुना है कि एक एक क्वेश्चन था, मेरी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था। और एक और चीज़ जो शिफ्ट दिख रहा है कि क्लासिकल बायोलॉजी से मॉडर्न बायोलॉजी की तरफ जाया जा रहा है। टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन जो 2000 के आसपास आते थे, वो से शिफ्ट हो गया बायोटेक्नोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। तो और एआर जो है बायोलॉजी के, आपको जो आप मॉक पेपर करेंगे उसमें कभी बार आप 1 और 2 में कन्फ्यूज हो सकते हैं। एआर जो एम्स में आ रहे हैं उसमें 1 और 2 में इतना कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि वो आपकी नॉलेज ही ऐसी चेक कर लेगा कि काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, लेकिन उनमें तुक्केबाजी नहीं करनी है, क्योंकि +3 -1 में यू डोंट वॉन्ट टू लूज दैट मार्क, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। +3 -1 में गैस ना करें। प्लस अगर आप एआर आपको देखने में सही लग रहा है तो इसका मतलब नहीं है वो सही है, क्योंकि एआर में आप अपनी ग्रामर चेक ना करें, बहुत फंसाया जाता है एआर में। मैंने कई ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जिनको ऐसे फ्रेम किया गया है कि वो सही लगते हैं, उसमें एक शब्द के चेंज की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आपको एआर के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको अटेम्प्ट ना करें। और ये बात समझ लीजिए कि नीट वाले पैटर्न पे एम्स नहीं आएगा। नीट में जैसे हमें आदत रहती है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, एम्स में वो चीज़ें ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दें जो आपको नहीं आते हैं। टॉपर के भी 160-165 से ऊपर नंबर नहीं आते, तो आपने अगर 180 भी अटेम्प्ट करे हैं तो आप एम्स दिल्ली की रेस में बरकरार हैं, बल्कि आप फर्स्ट भी आ सकते हैं। एक बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नीट के लिए
एनसीईआरटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत बढ़िया तैयार है, प्लस आपको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगाने में डिफिकल्टी नहीं है, तो 600 नंबर लाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो नीट के लिए एनसीईआरटी पे मेजर फोकस रहना चाहिए। अगर एम्स के लिए आप स्पेसिफिकली ऊपर की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि बायो में तो इतना नहीं, लेकिन फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े रीच आउट करके क्वेश्चन करिए जो थोड़े हाई लेवल के हों। जो कि अब जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है फिजिक्स में, वो आपका बेस बना सकती है अच्छे क्वेश्चंस करने का एम्स लेवल के। तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए अगर वही आपका मन करता है तो आप इंजीनियरिंग के क्वेश्चन की तरफ भी जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ा आगे जाने की ज़रूरत है, इनऑर्गेनिक में वापस एनसीईआरटी तक स्टिक करिए, और फिजिकल केमिस्ट्री को भी फिजिक्स की तरह ही ट्रीट करते हुए बस क्वेश्चन हाई लेवल के कीजिए, थ्योरी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक है उसके वजह से, क्योंकि 80% पेपर आता है, हाँ पहले 80% पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करें, 20% बाद में देखा जाएगा। उसके बाद अगर आप घर पे बैठ के रेफरेंस बुक्स देखना चाहते हैं तो बहुत वेरिड प्रकार की रेफरेंस बुक चलती हैं। जैसे फिजिक्स में एक बुक आती है एचसी वर्मा, आपने सबने सुना ही होगा, एचसी वर्मा एक बिल्कुल बेसिक बुक है और उसकी थ्योरी इतनी लाजवाब है कि अब ये है फिजिक्स में थ्योरी ही आपको कोई बुक बता सकती है। उसके बाद क्वेश्चन करने की एप्टीट्यूड आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी बाय डूइंग मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो एचसी वर्मा आप थ्योरी के लिए रेफर कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए सारी ही बुक अच्छी है, कोई बुक से करिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और कहीं से भी आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सारे पेपर कर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करेंगे फिजिक्स और न्यूमेरिकल जहाँ पे अप्रोच है, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा कि आप मॉक पेपर करें। एक और चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि जो एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, मैंने भी 2 साल में खूब करे, लेकिन काफ़ी इनएक्यूरेट हैं वो पेपर। अब जब मैंने एम्स दे दिया है, जिस दिन मैंने एम्स दिया उसके बाद जब आके मैंने देखा कि मेरी ही शिफ्ट का उन्होंने क्या मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया है, तो वो इतना इनएक्यूरेट था कि मतलब जैसे पेपर में एम्स आपसे बहुत कुछ कराएगा, बहुत क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, लेकिन जब वो मेमोरी बेस्ड होकर आ जाता है तो वो क्वेश्चन की जान निकल जाती है, वो क्वेश्चन देखते ही होने लगता है। तो आप मेमोरी बेस्ड पेपर देख के ऐसा ना लगे आपको कि एम्स आसान पेपर आ रहा है, एम्स का पेपर काफ़ी चैलेंजिंग आता है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा उन पर कॉन्सेंट्रेट करें जो आपके टीचर बनाते हैं पेपर, जो आपके बुक्स में रखे रहते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करें, ना कि एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। नीट के प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं, और आप जब करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको ये भी पता लगेगा कि जो लेवल टाइप का पेपर आ रहा है बिल्कुल बैलेंस टाइप का, जिसमें एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और बायो बिल्कुल एम्स की भी वही रहेगी। अब कुछ लोग जिन जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बुक्स बताइए जो आपने फॉलो करी है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज एक बार बुक लिस्ट कर देता हूँ। तो जैसे फिजिक्स में मैंने पहले ही बताया कि एचसी वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। उसमें भी अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आती है, जो कि एक बहुत बड़ी फीट है क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी समझना बहुत मुश्किल बात है, अगर एनसीईआरटी समझ में आती है तो पहले एनसीईआरटी करें, फिर हो सकता है आपको एचसी वर्मा की ज़रूरत ही ना पड़े। तो एचसी वर्मा तक थ्योरी आपकी सिमट जाएगी। उसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो वैसे तो जहाँ मर्जी से आपको मिल रहा है करिए। एक बुक आती है डीसी पांडे, इंजीनियरिंग की भी आती है मेडिकल की भी आती है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एक बुक आती है बीएम शर्मा जो इंजीनियरिंग की है स्पेसिफिकली, लेकिन उसमें क्वेश्चन कभी ख़त्म ही नहीं होता है ऐसे ही, मतलब हमारे कोचिंग में भी एक बुक आती थी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते थे उसमें। तो क्वेश्चंस आप बस ऐसे करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएँ, और उसमें भी मॉक पेपर निकालिए, टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं कुछ कोचिंग की, अगर आप क्लासरूम नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो अगर बड़ी वाली कोचिंग से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो वो भी आपको कुछ फ़ायदा दे सकता है। केमिस्ट्री में बालाजी पब्लिकेशन की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों की बुक्स आती हैं क्वेश्चंस की, एमएस चौहान, वीके जायसवाल और एन अवस्थी। एन अवस्थी और एमएस चौहान तो बहुत ही बेहतरीन बुक हैं, अगर आप कर पाते हैं उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर वो आप कर पाते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत आगे चले गए। वीके जायसवाल जो है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मैंने बोला कि ज़्यादा तकड़े क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता है, किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हैं, वो मैंने भी नहीं करी थी ज़्यादा, बस है मेरे पास लेकिन मैंने करी नहीं थी ज़्यादा वो, क्योंकि वो करने की ज़रूरत भी नहीं। इनऑर्गेनिक में स्टिक टू एनसीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस। बायोलॉजी में सबसे पहली बात यह है कि एनसीईआरटी बिल्कुल 50 बार कर लीजिए, वो भी कम है। उसमें भी यह है कि बायो में एनसीईआरटी करके जितने आपके नंबर आ जाएंगे उससे कुछ ही नंबर आप बढ़ा सकते हैं अगर आप और रेफरेंस बुक्स लेते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री करिए, बाद में अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो बायो को डेडिकेट कर सकते हैं रेफरेंस बुक्स पढ़ के। रेफरेंस बुक में एक बायो की भी एग्जाम्पलर अच्छी है, वो भी कर सकते हैं बायो की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और कुछ लोग जो कोचिंग इंडस्ट्री में रिकमेंड करते हैं, वो एक बुक आती है ट्रूमैन, वो रिकमेंड करते हैं, बहुत एक्सटेंसिव बुक है, बहुत मोटी बुक है, डर लग जाएगा बुक देख के, मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, तो देख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ओलंपियाड लेवल की बायोलॉजी को डील कर रहे हैं तो एक बुक आती है कैंपबेल, वो भी मतलब बहुत एक्सटेंसिव बायोलॉजी है, वो भी वैसे तो ज़रूरत नहीं है मेडिकल एंट्रेंस के लिए,
पर अगर आप रेफरेंस बुक की वो कर रहे हैं और आप ओलंपियाड लेवल तक की बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो कैंपबेल एक बुक आती है, वो भी बड़ी अच्छी बुक है। एक तो मेरी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि कभी भी बोर्ड के रिजल्ट को या स्कूल की प्रिपरेशन, अगर आपकी पूरी मेडिकल की तरफ को इंक्लिनेशन है तो बोर्ड के नंबर या स्कूल में दिए हुए आपको जो पेपर होते हैं उसके नंबर को ईगो पे ना लें, क्योंकि इलेवेंथ में क्या होता है, इलेवेंथ में शुरुआत में कम नंबर दिए जाते हैं, जैसे नाइन्थ में भी ऐसे होता है, इलेवंथ में भी ऐसे होता है, शुरुआत में कम नंबर दिए जाते हैं सारे बच्चों को ताकि केवल डिजर्विंग कैंडिडेट ट्वेल्थ तक पहुँचे, तो उसमें कोई बात नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों के 60-65 नंबर आते हैं इलेवंथ में और उसके बाद ट्वेल्थ में 95 आ जाते हैं, तो उससे इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। दूसरी बात ये कि अब अगर आप ट्वेल्थ तक बोर्ड को ईगो पे नहीं लेंगे तो वो वाली एक हेडेक हटेगी दिमाग से, और स्कूल में जाके भी आप मतलब अपने कंपटीशन के सवाल कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कर सकें ज़्यादा अच्छा है। और शेड्यूल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो शेड्यूल मेरा तो बहुत इरेगुलर था, मैंने कभी ऐसा ना टाइम टेबल बनाया ना कभी मैंने टाइम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया। जो टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लग जाता था उस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता था, तो ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है करना, तो मैं किसी को ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा, बस ये मेरी कहानी है कि कई बार ऐसा होता था कि मैं एक टॉपिक के पीछे पड़ जाता था और उसके बाद उसको छोड़ता ही नहीं था। एक कई बार ऐसा होता था जैसे मैं ऑर्गेनिक सेप्टेम्बर के आसपास मैंने पकड़ी, उस बाद एक महीने तक मैं भूल ही गया कि फिजिक्स और बायोलॉजी क्या है, इतना ज़्यादा उसमें डीप चला गया। लेकिन मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो सब अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, किसी को फॉलो ना करें इस बारे में, और बस यही है कि ये मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये करे और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाए इस मामले में टाइम टेबल। अब लोग ये मुझसे पूछते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करें और रिवीजन कब से स्टार्ट करें, तो एक तो जब आप इलेवंथ में हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि इलेवंथ का सिलेबस आपके इलेवंथ के एंड तक ऐसा हो जाए कि आप अभी नीट में बैठेंगे तो आधे नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो इलेवंथ का सिलेबस पूरी तरह हो जाना चाहिए। ट्वेल्थ में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मैं स्पेसिफिकली चाहूँगा कि आप जैसे जैसे ट्वेल्थ का सिलेबस कर रहे हैं एक बार पूरा इलेवंथ को भी गो थ्रू कर लें साइड में, पेरिफ्रली इलेवंथ को भी ग्रो थ्रू कर लें साथ में जब आपका ट्वेल्थ का सिलेबस चल रहा है। आइडियली आपका नवंबर टू दिसंबर में सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप रेफरेंस बुक छोड़ के केवल दो चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर देना और एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग, बस ये आपका जनवरी के बाद से यही मोटिव रहना चाहिए। और मतलब इन तीन महीनों में आप नीट के पेपर दें बहुत सारे और उसके बाद मतलब एनसीईआरटी पढ़ें खूब सारी बार, उसके बाद तक आपका जब तक नीट आएगा आपकी बायोलॉजी तो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि मेरे को नहीं लगता आपको नीट और एम्स के बीच में बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप जनवरी से भी करते रहें और नीट और एम्स के बीच में फिजिक्स के न्यूमेरिकल इंटेंसिफाई कर दें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चनों की। केमिस्ट्री भी बायो की तरह ट्रीट करें इनऑर्गेनिक को, और फिजिकल और ऑर्गेनिक को फिजिक्स की तरह ट्रीट करें, एक्सटेंसिवली ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एक और चीज़ मुझे पूछी जाती है कि जीके और एलआर कैसा आता है एम्स में, तो जीके और एलआर जो है उस पर लोग ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। पहली बात मैं एक ये मिथ क्लियर कर दूं, लोगों को लगता है 10 क्वेश्चन जीके 10 क्वेश्चन एलआर आते हैं, केवल 5 से 6 क्वेश्चन जीके आते हैं, मोस्टली 15 क्वेश्चन के आसपास एलआर आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग भी ऐसा है कि एनटीएससी लेवल का अगर आपने किया हुआ है तो उससे भी नीचे लेवल का आएगा, बहुत आसान टाइप की लॉजिकल रीजनिंग आती है। प्लस जीके भी काफ़ी सुपरफिशियल होती है, आपको यूपीएससी टाइप की जीके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने पेपर से एक महीने पुरानी तक की करंट अफेयर याद रखें। और जो स्टैटिक जीके आएगी, मेरे पेपर में स्टैटिक जीके बहुत ही आसान आई थी, मतलब अगर आपको केवल इंडिया की स्टेट्स वो भी बड़ी बड़ी का लोकेशन पता है तो उससे हो जाता था, कुछ सिटीज़ की पूछी थी कि कौन सिटी नॉर्थ से साउथ है, तो बहुत बेसिक स्टैटिक जीके थी। और जो करंट अफेयर थी वो भी काफ़ी एक्सपेक्टेड टाइप की, जैसे मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि आरबीआई गवर्नर कौन है करंट वो बताइए, और एक क्वेश्चन इलेक्शन के ऊपर था क्योंकि इस बार इलेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक था, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सुपरफिशियली जीके पढ़ें। और मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि उस टाइम में नीट और एम्स के बीच में जीके से ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस करें, ज़्यादा नंबर आपको वहाँ मिल सकते हैं। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि बोर्ड को कैसे हैंडल करें और बोर्ड में आपका रिजल्ट क्या था, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरे जिन सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा हूँ, जिन सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट मानता हूँ, उसमें मेरे सब में 95 से ऊपर थे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इंग्लिश में मैंने कभी पढ़ी ही भी नहीं इंग्लिश, और जितना मैं पढ़ा हूँ उतना ही मेरे नंबर आए हैं, डिजर्व करता था 83 नंबर आए हैं, उस वजह से मेरा बोर्ड का थोड़ा सा रिजल्ट कम हो गया है। तो मेन चीज़ यही, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को इंग्लिश में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था तो इसलिए मैं पढ़ा भी नहीं। तो आप अपना एम सेट कर लीजिए, अगर आपका एम मेडिकल एंट्रेंस है तो ठीक है, मतलब पास तो करना ही है, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत आखिरी दिन में पढ़ जाएँ तो निकल जाएगा, बोर्ड काफ़ी ईजी आता है और चेकिंग और भी ज़्यादा आसान होती है। तो अगर आपका एम मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो बाकी सब भूल जाइए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए कि मतलब पास हो जाएं और 60% नंबर आ जाएं सब में कम से कम, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन
ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर ना करें और मेडिकल एंट्रेंस पर करें। और मेनली जो आपके तीन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें तो आप अगर फेथफुली उसकी तैयारी करेंगे तो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इंग्लिश की कम से कम तैयारी करें इतनी कि जस्ट आप बोर्ड को निकाल सकें, बस ज़्यादा टॉप मारने के लिए वहाँ ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते थे, कितना यूज़ करते थे, दो साल में बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो गए थे ऐसा करके। तो मैं ये बता दूँ कि मैं अपने मोबाइल से 5 मिनट भी दूर नहीं रह सकता हूँ, डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ। तो मैं कोरा पे भी बहुत एक्टिव था पूरे 2 साल में, और मतलब व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप चलता था जिसमें हम क्वेश्चंस चैलेंज करते थे एक दूसरे को। 2-4 टीचर थे वहाँ पे, बहुत अच्छे कुछ टैलेंटेड बच्चे थे, तो किसी को भी एक अच्छा क्वेश्चन मिलता था तो वो क्वेश्चन पिच कर देता था वहाँ पे, फिर हमारी ईगो पे बन जाती थी कि बात की हमें सॉल्व करना ही है वो क्वेश्चन। तो ऐसे यूज़ करें आप टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है जिसको आजकल अगर आप मोटिवेटेड हैं अपने गोल की तरफ तो आप उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट ध्यान रखें, सब हर टॉपर के लिए अलग तरीके से बैठता है कि सोशल मीडिया का यूज़। बस मैं ये बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ हो सकता है, और मैंने आई बिलीव कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ किया है ओवर द 2 ईयर्स। एंड में मैं कुछ अपनी गलतियाँ बता देता हूँ जो मैंने ओवर द 2 ईयर्स की, जो अगर आप हो सकता है अवॉइड करें तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। एक तो मेरे को NCERT एग्जेम्पलर के बारे में ऑलमोस्ट 12th के एंड में पता लगा, तो मैंने 15 दिन के अंदर फिजिक्स की दोनों 11th और 12th की एग्जेम्पलर ख़त्म करी। अगर आप शुरुआत से करते हैं एक एक चैप्टर के साथ तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आपको करने में भी अच्छा लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। तो वो एक चीज़ देखिए कि फिजिक्स ही कम से कम एग्जाम्पलर 11th और 12th दोनों की साथ साथ एक एक चैप्टर करके करें तो एम्स में फ़ायदा हो सकता है। एक दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर पे पूरी तरह ट्रस्ट ना करें, और ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रीवियस ईयर पेपर करने से अच्छा ज़्यादा मॉक टेस्ट करें। मैंने ओवर द 2 ईयर्स एम्स के, क्योंकि मेरा मेजर जो टारगेट था वो एम्स ही था, तो मैं एम्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर करें जो कि काफ़ी इररेलीवेंट हो जाते हैं और कभी कभी एम्बिगुअस होते होते गलत भी हो जाते हैं क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो आप ज़्यादा रिलाई प्रीवियस ईयर पेपर पे ना करें एम्स के, उससे ज़्यादा आप टीचर्स के बनाए हुए मॉक टेस्ट पर रिलाई करें जो कि सही होगा क्वेश्चन, और चैलेंजिंग क्वेश्चन करने से अपने आप को ना रोकें। जितना ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपका पर्सनैलिटी बनेगा क्वेश्चन करने का, और मतलब स्पॉन्टेनियसली आप नए क्वेश्चन कर पाएंगे जो कि एम्स में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक जो आजकल एम्स का एग्ज़ाम और प्रॉबेबली अगले साल से नीट का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, तो CBT पैटर्न की आदत डालने जितना उतना अच्छा है। मैंने तो इसलिए इस बार मेंस के पेपर भी अटेम्प्ट करे क्योंकि मेंस के 2 पेपर थे, CBT थे, तो मैंने सोचा कि आदत डालने थोड़ा माहौल आसपास का वैसा हो जाता है तो वो वाले माहौल की आदत, ताकि एम्स के पेपर में कुछ फ़ायदा हो। प्लस एक ये चीज़ कि एम्स के पेपर में कैलकुलेटर आता है जो बहुत सिंपल वाला कैलकुलेटर होता है, स्क्रीन के किनारे में होता है, उसमें केवल 4 ही फंक्शन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डोंट एक्सपेक्ट कि उसमें साइन और लॉग सब कुछ होगा, केवल बेसिक ऑपरेशन होंगे। प्लस उस कैलकुलेटर को कुछ लोग यूज़ नहीं करते हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि उस कैलकुलेटर को यूज़ करें, क्योंकि उस कैलकुलेटर के बिना एम्स का पेपर इतना लेंदी हो जाएगा कि आपसे ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन के ऑप्शंस एक्सप्रेशन में नहीं होंगे, वो सारे एज अ रिजल्ट निकाल के होंगे, ऑप्शंस नंबर्स होंगे 4, तो उन नंबर्स में आप कुछ एक्सप्रेशन के टर्म्स में इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, और आपको कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज़ यूज़ करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर अपकमिंग नीट एंड एम्स एग्ज़ाम। May you shine with flying colors. Thank you.